रहना भी इसे तो वेलकम नोट के पास वो है स्टार्ट हो गया मैं आपको टेक्स्ट पे पास करूं कि वो वीडियो उस टाइम से सेटअप हुई भी है लाइक लास्ट 20 मिनट इसलिए वो आपके जी सर वी आर ऑन लाइन जी सर हम इनिशिएट करेंगे अभी अपनी लाइव का चैट सर आप बिस्मिल्लाह कीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं डॉक्टर अरशद तकी हूँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शंस पे हम ये खुली कचहरी का एहतमाम कर रहे हैं हम खुश आमदीद कहते हैं तमाम स्टूडेंट्स को फॉरेन और लोकल ग्रेजुएट्स को डॉक्टर्स को जो पाकिस्तान के अंदर हैं और ओवरसीज हैं और जनरल पब्लिक को के जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं खुली कचहरी इसका मकसद स्पेशली ये ऑर्गेनाइज इसलिए की गई है कि आपके ग्रीवियंसेस कंसर्न्स या कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो उनको एड्रेस कर लिया जाए और उनका फौरी हल निकाल लिया जाए या जो मालूमात जिनके बारे में आपको कोई एम्बिग्यूटी है उनको क्लैरिफाई कर दिया जाए सो मैं आई हैंड ओवर टू सना फॉर द क्वेश्चंस जिनको फिर हम एड्रेस करेंगे ठीक है सर इस दफा हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं कमेंट्स के थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लेकिन हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हम चाह रहे हैं इस दफा हम जो हमारे कमेंट्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो रेलेवेंट हो उन्हें हम पहले एड्रेस करें बीच में भी साथ साथ एड्रेस करें एंड ऑन एंड ऑफ हमारे ये वाले क्वेश्चंस जो हमारे पास पहले से आए हुए हैं और इन कमेंट्स हम इसको साथ साथ लेकर चलते हैं अभी मैं ये गो थ्रू कर रही हूँ फीड से अच्छा ये ओवरसीज स्टूडेंट से रिलेटेड अरहम नासिर पूछ रहे हैं कि इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल ओवरसीज स्टूडेंट्स होल्डिंग कराची डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स वर डीम्ड इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर लोकल मेरिट सीट्स इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ कराची गवर्नमेंट वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने कोई नया रूल बनाया है एम डी कैट वॉज कंडक्टेड इन टू देयर पर्सपेक्टिव विच वॉज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू द गाइडलाइंस ऑफ पी एम सी बेसिकली वो वहाँ की जो सिंध के हमारे प्रोविंस में जो यूनिवर्सिटीज हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज उससे रिलेटेड एंड ओवरसीज स्टूडेंट से रिलेटेड वो कंसर्न अपना शो कर रहे हैं इससे रिलेटेड अगर सर आप कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कीजिए सिंध का जी नहीं इसमें जो आई थिंक इसमें जो जिससे आप रेफर कर रहे हैं वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो डेफिनेशन दी है वो पहले तीन कैटेगरी होती थी स्टूडेंट एप्लीकेंट्स की स्टूडेंट्स की एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी चाहे वो ड्यूअल नेशनल्स हों या परमानेंट रेजिडेंट हों दूसरी जगह पे और बाहर पढ़ रहे हों और तीसरी कैटेगरीज होती थी जो फॉरेनर्स होते थे अब इस बार हमने जो 2021 की जो एडमिशन रेगुलेशंस थी उनके अंदर ये जो दो कैटेगरीज ख़त्म करके एक ही कैटेगरी बना दी गई थी और वो कैटेगरी थी कि अगर आप चाहे पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और चाहे पाकिस्तान के बाहर रहते हैं चाहे आप ड्यूअल नेशनल हैं अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो फिर आप नेशनल स्टूडेंट और एक और पाकिस्तानी स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करेंगे और फॉरेन नेशनल इज समबडी हु इज नॉट अ पाकिस्तानी हु डज नॉट होल्ड एनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी और पाकिस्तानी पीआर कार्ड और एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन विद पाकिस्तान So there was these two categories that were created. Up for the purpose of admissions into medical colleges में admissions की जो policy है वो इस framework के अंदर रहते हुए जो governments या वो इदारे खुद बनाते हैं और वो जो वो policy है वो उसमें हमारी जो बनाई हुई जो regulations हैं उनके अलावा वो कोई additional भी लगा सकते हैं ये बहरहाल ये उनको एंटाइटलमेंट है सो अगर
तो ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की किसी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट में है, तो फिर उसकी रिड्रेस के लिए आप रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक एडिशनल उनके अपने फ्रेमवर्क के अंदर आता है, तो फिर ये आप इसके लिए आप उनसे रब्ता करें जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ है विच इज़ अ बेसिक वरी, उस्मान साहब आपसे मैं पूछूंगी। आयशा जाफर ये पूछ रही हैं कि इफ़ यू कैन प्लीज स्टॉप ऑन रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, तो थोड़ा सा अगर आप एक ब्रीफ प्रोवाइड कर दें लाइसेंस रिन्यूअल से रिलेटेड। First of all, assalamu alaikum to all our listeners and the people who are watching us. Renewals ki jo applications hoti hai, usme simply aapne online ja ke apply karna hai. Usme hamari kyunki aap already register hai, usme koi checks and koi attachments nahi hoti. Bas aapne apne online form pe ja ke aapne jo apna mailing address hai wo aapne update karna hai. Hamare paas bahut sari queries aisi aati hai jisme aap log mailing address ko change karane ke liye aap any change mein apply kar rahe hain. So there is no need of applying in any change. Because every time when you apply for renewal of your license, your mailing address is always updated on your new application. So otherwise, renewals के लिए जो application form है वो हमारा बहुत simplified है। उसमें आपने simple अपनी जो आपकी information है वो आपने उसमें fill करनी है, और आपने उसमें अपना mailing address जो है वो अपने नया update करना है। Attachment में सिर्फ picture आपकी update होनी है, क्योंकि previous जितना भी आपका data हमारे पास सारा system में feed है, so there's no anything complication in renewal of license. जो क्वेश्चन हमारे पास फिलहाल दो तीन आ रहे हैं अलॉन्ग साइड, वो ये आ रहे हैं कि जैसे हसन हुसैन साहब पूछ रहे हैं, राना कदीर साहब पूछ रहे हैं कि एम डी कैट का सिलेबस कब तक आएगा। जी, एम डी कैट का सिलेबस हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इसी जनवरी के महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर जनवरी के आखिरी डेट तक ना आया तो एक दो दिन फरवरी के एक दो दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा। वो इस वक्त एकेडमिक बोर्ड उसको कंसिडर कर रहा है, और जैसे ही वो हमें फाइनल कर देगा तो इंशाल्लाह उसको अप्रूव करके और फिर आपसे लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। बट वी विल इंशाल्लाह स्टे क्लोज टू द मिड और द डेडलाइन दैट वी गिवन। अच्छा, अभी सर हम अपने कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस में से लेना क्वेश्चंस शुरू करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी कमेंट्स में आए हुए थे। जो पोस्ट हमने पहले अनाउंसमेंट की थी रिगार्डिंग हमारी ई कचहरी, उस पर हमारे कमेंट्स आए हुए थे, हमें कुछ इनबॉक्स भी हुए हुए थे। पहली जो क्वेरी हमने हमारे पास आई थी वो अताउल्ला खान साहब की है। वो ये कह रहे हैं कि सर आई एम फाइनली अ स्टूडेंट फ्रॉम अफगानिस्तान, उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बताई हुई है। आई एम डन विद एनी बी एग्जाम कंडक्टेड ऑन 4th December। एज आई वॉज इन पब्लिक मेडिकल कॉलेज इन अफगानिस्तान, वुड आई गेट एडमिशन टू पब्लिक मेडिकल कॉलेज हेयर। जी हाँ जी, थैंक यू मिस सना एंड अताउल्ला खान साहब। हमने पहले ही अनाउंस किया हुआ है कि जो है कि लास्ट एचआरई में भी ये सवाल आया था कि एनईबी का इम्पोर्टेंस वगैरह, तो ये हमने पीएमसी ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक इनिशिएटिव लिया है। बड़ा देरपा मुतालबा था पेरेंट्स का और बच्चों का के एक माइग्रेशन का कोई जो है कि अब जो है कि प्रोविजन होना चाहिए, तो इस मरतबा जो पीएमसी जो पार्लियामेंट ने प्रोमलगेट किया है, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। अभी मेरी टीम ने बताया है कि लास्ट मंथ इसका एग्जाम हुआ है, और बहुत सारे बच्चे जो कि जिन्होंने एनईबी को पास किया है वो अकोमोडेट हो गए, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर कुछ बच्चे हैं जो दे आर सर्चिंग के उनकी अकोमोडेशन हो जाए। लास्ट टाइम हमने कहा था कि होपफुली इंशाल्लाह सब हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं ये क्लेरिफाई कर दूं कि ये एग्जाम जो है कि गारंटी नहीं देता कि हर बच्चा जो है कि एडमिट हो जाएगा। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन वैकेंट सीट्स इन पाकिस्तान, जहाँ जहाँ अभी एग्जाम्स कुछ यूनिवर्सिटीज में हो गए हैं, कुछ होने हैं, कुछ हमें डेटा मिल रहा है, कहीं पर सीट्स खाली हो रही हैं, तो जहाँ पे हमें जो है कि पता पड़ेगा तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ जो है कि कर सकते हैं। जहाँ तक पब्लिक एंड प्राइवेट का ताल्लुक है, तो पब्लिक के जो कॉलेजेस हैं वो जो है कि पब्लिक गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ होते हैं, उन पर उनकी पॉलिसीज वगैरह चलती हैं। हाँ, किसी हद तक प्राइवेट के लिए हम डायरेक्टिव्स वगैरह इशू कर सकते हैं। तो मैं वंस अगेन क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि जो बच्चे लास्ट एनईबी एग्जाम में
पास हुए थे उनमें से बहुत सारे बच्चे अकोमोडेट हो गए विद इन पाकिस्तान और बाकी स्लॉट्स ढूंढ रहे हैं और होपफुली कि उनका भी मसला हल हो जाएगा वेरी सून, एज सून एज यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स वगैरह होते हैं और हमारे पास भी कुछ डेटा आता है और इंडिविजुअली आप भी कॉलेजेस के साथ अप्रोच करें। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत कंक्लूसिव आंसर था। अच्छा सर, हमारे पास काफ़ी सारे यूजर्स जो हैं वो ये कमेंट और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ होल केपीके एंड फाटा जो है वो पीएमसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू अप्रूव टायर मरगारा मेडिकल कॉलेज जो कि लोअर दीर केपीके में आते हैं। वो चाह रहे हैं कि 2022-23 के जो सेशन है उसके से पहले पहले अगर ये हो जाए क्योंकि ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मटीरियल आर रेडी। जी थैंक यू ऑल जिन्होंने भी सवाल पूछा है, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है फाटा में किसी कॉलेज का खुलना। लास्ट में सेनेट कमेटी में भी था तो उधर भी ये पॉइंट रेज हुआ था कि एक फाटा में कॉलेज होना चाहिए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। हमें बताया गया था कि उधर कुछ फिजिबिलिटी वगैरह किसी कॉलेज में फाटा की 7-8 एजेंसीज हैं उनके लिए कोई कॉमन पॉइंट हो जहाँ पे जो है कि कॉलेज बनाया जाए, तो हमें खुशी होगी अगर पीएमसी के रेगुलेशंस और मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके कोई कॉलेज खोला जाता है और हमसे एफिलेशन लेता है, हमसे एक्रेडिशन लेता है, तो हम ज़रूर एज पर ला उसको सपोर्ट करेंगे एज सुन एज द एप्लीकेशन रिसीव। जहां तक जो तमरगढ़ा मेडिकल कॉलेज है इसकी कुछ हमारे साथ डॉक्यूमेंटेशन कुछ चल रही है लेकिन अभी तक इस वो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं फुलफिल नहीं कर पा रहे। As and when they will meet our requirements और हमारे साथ अप्रोच करेंगे तो हम फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर जो लॉ होगा वी विल टेक एंड ट्राई अवर बेस्ट टू फैसिलिटेट द फाटा एंड द पीपल ऑफ फाटा। थैंक यू सो मच सर। सर डॉक्टर अहमद उस्मान साहब, आपसे मैं वो जो क्वेश्चन है हमारे वो कर रही हूँ। एक क्वेश्चन आदिल साहब ने भेजा है, वो ये पूछ रहे हैं कि प्लीज रिव्यू द प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन क्राइटेरिया एंड रिमूव द लेटर नीडेड फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर इट्स एक्सटेंशन फॉर टू रीजंस। एक है इट्स डिफिकल्ट टू गेट वन एंड दूसरा है कि ब्राइबरी इज एट पीक, मेनी आर फेसिंग इश्यूज बिकॉज दे आर बीइंग आस्क्ड टू गिव मनी फॉर दिस लेटर। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इफ दिस कैन बी कंसिडर्ड। ओके, तो पहले तो हमने देखा कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो हम देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसमें एक जो प्रोविजनल आपको रजिस्ट्रेशन होती है इट इज अलाउड फॉर यू टू डू हाउस जॉब इन पाकिस्तान। अब उसमें ज़ाहिर है कुछ लोगों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पहले मिल जाती है हाउस जॉब उनकी लेट स्टार्ट होती है, तो उसमें हॉस्पिटल से डिमांड करता है कि अपने आप लाइसेंस को एक्टिव कराएं। सो फॉर दैट रीजंस जो जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो कि हाउस जॉब करें तो उनको अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होती है उसको रिन्यू करना होता है। तो रिन्यूअल के लिए ऑलरेडी आप एक हॉस्पिटल के अंदर इंगेज हैं तो वो हॉस्पिटल आपको सिंपली एक लेटर देगा कि दिस डॉक्टर इज डूइंग हाउस जॉब, इसका ये हाउस जॉब का टाइम पीरियड रहता है, तो काइंडली आप इसका जो प्रोविजनल इसकी रजिस्ट्रेशन इसको रिन्यू करें। So I think that letter is very necessary for us to give you an extension and provisional registration. Uski reason ye hai ki agar hum aapko nahi denge so fir every year is going to become a habit ki every year aapka desi provisional aapka expire hoga, aap usko renew karne ke liye dobara usko apply karne lagenge. So I think it's a very genuine request a letter jo ki hospital ke MS ki taraf se hona chahiye ki you are in continuation of your house job. और उसकी बेसिस पे हम आपको एक्सटेंशन एंड प्रोविजन देंगे, ना कि हम इस लेटर को हम उसमें से निकाल नहीं सकते। सेकंड जो आपका कंसर्न था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वन, आई थिंक ये आपकी हॉस्पिटल की सिलेक्शन पे कि कौन सा हॉस्पिटल आपको हाउस जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहा है, तो ये आपका रेलिवेंट जो होगा ये हॉस्पिटल रिलेटेड होगा कि आपको हॉस्पिटल में कौन आपको हाउस जॉब दे रहा है कि कौन नहीं दे रहा। सेकेंड आपका था कि ब्राइबरी इज एट इट्स पीक, इसमें अगर आपके जो भी कंप्लेन रिलेटेड इश्यूज हैं आप उसकी आप ईमेल कर सकते हैं पीएमसी में, अगर आप इस इन इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई हॉस्पिटल आपसे इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि आप हमें इसके लिए कुछ रेलेवेंट ड्राइवरी देंगे तो हम आपको ये लेटर इशू करेंगे। सो यू कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई दीज इशू ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले सकें अगेंस्ट जो कंसर्निंग हॉस्पिटल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन फॉर लाइसेंसिंग ये है कि मोहम्मद सुमूत ये पूछ रहे हैं कि सलाम, इफ अ स्टूडेंट ऑफ बी लिस्टेड कम्प्लीटेड स्टेप वन एंड स्टेप टू, आई बिलीव दे एनएलई का पूछ रहे हैं, ही शी गेट पीआरएमपी स्पेशली दोज हु आर डूइंग इंटर्नशिप इन पाकिस्तान सिंस जनवरी 2021। सबसे पहले देर इज नो सच थिंग एज इंटर्नशिप इन पाकिस्तान, Pakistan Medical Commission does not allow that. Pakistan Medical Commission does not recognize that. Also, even it is the responsibility of the university where you
what were admitted for your undergraduate education to fulfill all the training requirements, including clinical rotations there in the hospitals affiliated with their university, and there can be no exception to that. Second part is, once you have completed your program, once you have completed your program and gained your degree from that university, it's only then that you come to Pakistan and then appear for your national licensing exam. Once you have then passed your NLE part one and NLE part two, then that automatically makes you eligible for a provisional license. So, jab aapka ho jata hai, uske baad aapke liye koi masla hi nahi hai. Agar aap yahan internship kar rahe hain, to iska matlab ye hai ki bazaahir ki aapne abhi tak apni degree mukammal nahi ki. तो अगर आपने अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की तो फिर आप ना नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और ना फिर आप उसके बाद किसी लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं. सो पहले आप अपनी डिग्री कंप्लीट कीजिए एंड दैट इंक्लूड्स क्लिनिकल रोटेशन. उसके बाद आप लाइसेंस के लिए या एग्जाम के लिए आ सकते. थैंक यू सो मच सर. मुईस खान जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, सम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस स्टिल डिमांड द डोनेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स. Please stop it and give the admission authority to the admitting university. Like in KPK, please give authority to the respective university. You know, admission key for private medical and dental colleges admission. So this will be clearly on merit basis admission. जी सना, ये सवाल मतलब मुख्तल आता रहता है, लेकिन I would suggest Mr. Muiz Khan के complaint करना तो बात करना तो आसान होता है, लेकिन बेहतर ये होगा ये अगर हमें फॉर्मली जो एक ड्यू प्रोसीजर है किसी भी कॉलेज के खिलाफ कोई डोनेशन का एविडेंस है, अगर हमें फॉर्मल कंप्लेंट लॉज करे तो नेसेसरली हम उस पर एक्शन लेंगे. हम भी उस पर एक्शन ले सकते हैं, मेडिकल ट्रिब्यूनल को भी उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो. ठीक है सर, एक क्वेश्चन अभी बीच में से कमेंट्स सवाल का दूसरा सवाल है जो आपने कहा कि प्लीज गिव अथॉरिटी टू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी. देखिए, कानून जो है वो कहता है कि ये कॉलेजेस अपने दाखिले खुद कर सकते हैं और वो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं. सो हम ये तो कर सकते हैं कि उन जो एडमिशन रेगुलेशंस के तहत उनको पाबंद करें कि वो जो उन्होंने अपनी एडमिशन पॉलिसी दी है उसको फॉलो करें, और अगर वो नहीं करते और हमारे पास प्रेफरेंस आता है तो हम अकॉर्डिंगली एक्शन लें. लेकिन कानून जो है वो उनको इख्तियार देता है कि वो अपने दाखिले खुद करेंगे अपनी एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक. थैंक यू सर. अच्छा, अभी जो हमारे पास ये कमेंट्स आ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन मेरे सामने से गुजरा जो इम्पोर्टेंट भी आई थिंक सो. तला महमूद साहब ये पूछ रहे हैं कि सलाम, आई हैव पास्ड एनईबी एग्जाम एंड आई हैव बीन एलिजिबल फॉर सेकंड ईयर. आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई कॉलेज ऑफ एडमिशन. आई थिंक इसको मैं क्लेरिफाई कर दूं एक चीज. सॉरी, देखिए बेटा, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, और हम पहले क्लैरिफाई कर चुके हैं कि नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्जाम एनईबी एग्जाम सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी डिटरमिन करता है. आप पाकिस्तान से बाहर चले गए, आपने पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ का एडमिशन का प्रोसेस था जिसमें एमडी कैट होना होता है, एफएससी में मिनिमम मार्क्स होते हैं, उस सबको आपने बाईपास किया. आप शायद बाहर रहते थे, आपने वहीं से किया होगा. जो भी हुआ, अब आपको एक फिल्टर से गुजरना है अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए. वो फिल्टर है एनईबी एग्जाम. अगर आप एनईबी एग्जाम पास कर लेते हैं तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कह देता है कि जी आपने ये फिल्टर पास कर लिया, अब आप दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ अ सीट. अब उसके बाद सीट ढूंढना आपके लिए ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का काम नहीं है, ये आपने खुद इसको देखना है, आपने मालूम करना है. मालूमात की हद तक अगर कोई हम असिस्ट कर सके वील बी हैप्पी, बट लेकिन ये यू हैव टू अंडरस्टैंड. और एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लें कि जो रेगुलेशंस हैं या जो एडमिशन रेगुलेशंस हैं या नेवी के मुतालिक हैं, उसमें एक चीज़ और भी क्लियर है कि अगर आपने सेकेंड ईयर का इम्तहान दिया है और आप थर्ड ईयर में जाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो इवन देन अगर आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं अगर उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जा चुका है जो आपने नहीं पढ़ा, और वो कॉलेज कहता है कि आप पिछली क्लास में जाके वो सब्जेक्ट पूरा करें,
तो भी आपको पाबंद है, वो कॉलेज आपको कह सकता है. सो ये क्लैरिफाई हो जाए कि एनी भी एग्ज़ाम जो है वो एडमिशन की गारंटी नहीं है. जिस तरह के पाकिस्तान में कोई बच्चा अगर एमडी क्वैट पास कर लेता है तो उसको एडमिशन की गारंटी नहीं मिलती, वो उसने फिर भी एक कम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू लेनी होती है. इसी तरह एनडी है सर. इसी तरह मैं अगर एडप करूं, हमारे बहुत सारे बच्चे यूएसएमएली पास करते हैं, प्लेब करते हैं, वो फिर वेट करते हैं, एक साल में नहीं होता, दूसरे साल होता है. तो ये एक प्रोसेस है और हमारे जो जूनियर्स हैं इनको समझना पड़ेगा कि अगर इस साल नहीं हो सकता तो अगले साल के लिए एफर्ट कीजिएगा, लेकिन डू कीप इट अप योर एफर्ट्स. हां सना व्हाट जी सर हमारे दूसरे जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है रिलेटेड टू आईटी, आई बिलीव मोहम्मद हैदर सलमान ये पूछ रहे हैं कि आई हैव रजिस्टर्ड विद माय सीएनआईसी नंबर टू एनएलई मेडिकल इंस्टेड ऑफ डेंटल. ये वो वाली गलती है जो बहुत सारे बच्चे अभी तक करते आए हैं, ग्रेजुएट्स इनफैक्ट करते आए हैं मेडिकल से डेंटल, डेंटल से मेडिकल. इनको मैं वे आउट बता देता हूँ. बेसिकली इन्होंने ये डेंटल ग्रेजुएट हैं जो एनएलई मेडिकल पे रजिस्टर कर चुके हैं, ये एनएलई डेंटल के पोर्टल पे आप जाएं, वहां जाके आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें तो आपको एक पॉपअप आएगा कि अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन टाइप चेंज मेडिकल से डेंटल पे तो वो क्लिक है. सो वो एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, आपको एक ईमेल आएगी, आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका डेंटल पे अकाउंट शिफ्ट हो जाएगा. बट मैं अगेन इनकरेज करूंगा आप लोगों को कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोग थोड़ा सही ध्यान से उसको रेलिवेंट पोर्टल के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन इनफैक्ट हमारे एनएलई मेडिकल एंड डेंटल दोनों के पोर्टल्स ही डिफरेंट है. दोनों पोर्टल्स ही डिफरेंट है. आप लोग जब अपना रजिस्टर कर रहे हो तो मेक श्योर करें ऊपर हमारे मेरे ख्याल से यूआरएल में भी मेंशन होता है कि एनएलई डेंटल है या एनएलई मेडिकल है. इस चीज का बहुत ध्यान दें क्योंकि बजाहिर छोटी सी चीज है बट इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर रजिस्ट्रेशन. अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन नूरुलैन है, वो ये पूछ रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज दैट इलेक्टिव्स और फुल एफएससी मार्क्स आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड दिस ईयर. ये बेसिकली क्राइटेरिया समझने की कोशिश कर रहे हैं फॉर एमडी कैट. जी नहीं, ये एमडी कैट का क्राइटेरिया नहीं है. एमडी कैट के लिए तो ये एडमिशन का क्राइटेरिया है. अब एडमिशन के लिए जो आपके पिछली बार ये इलेक्टिव्स का या स्मार्ट सिलेबस का हुआ था, ये एक यूनिक जो सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ कोविड, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तमाम बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके ये फैसला किया था और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अलाउ कर दिया था कि आप ये कर सकते हैं इन रिस्पेक्टिंग द डिसीजन ऑफ पाकिस्तान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस. लेकिन ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नहीं ये डिटर्मिन करता. ये बहरहाल पॉलिसी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो, और एफएससी का जो सिलेबस है वो एफएससी का ही सिलेबस है. अब वापस रूटीन्स में आ जाएंगे इंशाल्लाह जिंदगी, तो फिर वापस जैसे होता था आप उसी पे वापस आ जाएंगे. सो वी विल बी बैक टू रूटीन दिस टाइम इंशाल्लाह होपफुली. अच्छा नेक्स्ट कुछ वेरियस यूजर्स, वही जो अभी हमने कमेंट्स में भी शुरू किए ये क्वेश्चन किया था, वही जो एमडी कैट के सिलेबस से रिलेटेड पूछ रहे थे, वी हैव एड्रेस दैट के विद इन इंशाल्लाह इसी मंथ हम लोग अनाउंस करने वाले वेरी सून एमडी कैट सिलेबस. उसमें जो भी डिटेल्स हैं, कंसर्न्स हैं और भी कमेंट्स इसमें आए हुए थे जो ये पूछ रहे थे कि कितने परसेंटेज, कौन सा बेसिक साइंसेज होंगी, कौन सी, वो सब चीजें डिटेल्स उसमें मेंशन. जैसे एकेडमिक बोर्ड अप्रूव करेगा एंड काउंसिल अप्रूव करेगी तो वी विल पब्लिकली अनाउंस एंड वेबसाइट पे इंशाल्लाह ताला अगले दो हफ्तों में होप के. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहान खान, देयर आर मेनी वैकेंट सीट्स इन पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान, सो व्हाई डोंट यू पीपल अलाउ अस टू टेक एडमिशंस एज वी आर स्टडीइंग इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन अफगानिस्तान. आवर यूनिवर्सिटीज आर क्लोज्ड सिंस 6 जून टिल अननोन डेट, सो बेसिकली वैकेंट सीट्स पर एडमिशंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ये वही सर एनईबी वाला इशू है जिसको हमने पहले किया है. जो जो एनईबी पास करेगा और सीट्स जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होगी, प्रेसिडेंट साहब ने क्लेरिफाई किया कि हमने उनको एलिजिबिलिटी दे दी है. अब ये जहाँ जहाँ पे कह रहे हैं कि सीट्स खाली हैं उनके साथ रब्ता करें और अपना एडमिशन जो है कि अगर ले सकते हैं. इसमें यूनिवर्सिटी के रूल्स भी अप्लाई होंगे जिस तरह सर ने अर्ज किया, हुक्म किया, और जो है कि जो कॉलेज के रूल्स भी होंगे. तो we have facilitated them by conducting NEB and जो eligible था उसको हमने पास करके certify कर दिया. इसमें ये clarify कर दूं जी, जो आपने कहा कि why don't you allow us to take admissions in public sector universities, the issue of that policy is not determined by Pakistan Medical Commissions. You need to understand that public sector medical colleges do not belong to Pakistan Medical Commission.
public sector medical colleges belong to the respective provincial and federal governments, and they are the ones who decide the, on the merit on admission policy over there. The Pakistan Medical Commission only determines a policy framework, and that policy framework says that if you have passed this NEB exam, then you are eligible to apply. So this is not determined by Pakistan Medical Commission. अच्छा सर, हमारे पास कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया है. डॉक्टर अलम दीन हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो हाउस ऑफिसर्स हैं उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि उन्होंने 2 months स्टाइपेंड की सिर्फ पेमेंट हुई है, जबकि उन्होंने पूरी अपनी स्टाइपेंड कंप्लीट की, वो सारी चीज़ें की हैं, मंथली बेसिस पर उनको नहीं पेमेंट हुई, उनको 8 महीने 12 महीने के बाद सिर्फ 2 महीने की जो है वो स्टाइपेंड पे की गई है, तो कुछ इस तरह का आप बताएंगे? इसमें टीएमसी की पॉलिसी तो वेरी क्लियर है कि ऑल जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं जो हाउस जॉब करेंगे, दे मस्ट बी जो है कि एक मिनिमम जो भी होता है उनको पे करना है. तो अगर कोई नहीं देता तो हमें एविडेंस के साथ लिखें, एविडेंस के साथ, नाम के साथ. सर, ईमेल एड्रेस एक दफा बता दें जहां वो आप लोगों को ईमेल करें. info.education@pmc.gov.pk. लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि कोई एविडेंस होना चाहिए ना. दूसरा ये है कि ये अपने जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं या जो जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ भी मिलें, क्योंकि वो भी मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक फंड्स होते हैं, पब्लिक को चैनलाइज करने होते हैं, तो उनके साथ भी मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं. अगर ये समझते हैं कि हमारे फोरम में आता है, हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, जितना हम कर सकेंगे इस पर ला, तो हमें भेजें, तो हम उसको गूगल टेक इट अप ना. ठीक है सर. डॉक्टर अलमदीन, आप info.education@pmc.gov.pk में जो भी रेलेवेंट आपकी सैलरी स्लिप्स या जो भी रेलेवेंट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ आप जरूर अप्रोच करें, एंड पीएमसी जो है वो डायरेक्टली जो है वो उस मैटर को टेकअप करेंगे. अच्छा, हमारे पास सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद जवाद, वो ये कह रहे हैं कि व्हेन प्रोसीजर ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम विल बी कंप्लीटेड. जी, दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम वी हैव काइंड ऑफ ग्रांटेड स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच फेल अंडर द फिल्टर्स दैट वी हैड क्रिएटेड, keeping in view the MDCAT scores, the and other criterias, and the certain number of students, and we'll share this figure on our website, I think in a couple of days, on how many students have actually received those. Some of those applications were still under review because we are just looking at the available funds and seeing if we can accommodate more students or more applicants based on those funds, because remember in some cases that process was delayed because the colleges or the students could not give us their final college where they have sought admission, because that has an impact on the amount that needs to be disbursed. So we are just waiting for, as the process of admission is closes, we'll be finalizing this in coming, I think, a couple of days or so. Thank you, sir. मतलब हम जो है list इंशाल्लाह कुछ अरसे में announce कर देंगे, और अभी ongoing है. As we get all the final admissions and information about those who have been contacted. ठीक है, अच्छा, thank you, sir. So next question Azaz है. वो ये पूछ रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज दैट पीएमसी विल काउंट ओनली इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स एंड मेरिट कैलकुलेशन दिस ईयर और होल एफएससी मार्क्स. सर, ये उसी से रेलेवेंट है एडमिशन से रिलेटेड. सर दे चुके हैं जी, बिल्कुल. और नई पॉलिसी बनाई जा रही है एमटी गेट की, तो न्यू साल के साथ वो फिर अनाउंस कर दी जाएगी कुछ दिनों में. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसबा पूछ रहे हैं कि सर, एज द पीएमसी प्रोस्पेक्टस सेज दैट एवरी ईयर फी इज 18,000 रुपीज एनुअली, but all the colleges are not following that rule, and moreover QAMC is charging, matlab university is charging 25,000 rupees for third year. Kindly ponder upon this, I shall be very thankful to you. ha dekhe humne koi prospectus nahi diya, ye individual exactly. college ka hai na. ji 25,000 pe fees hai salana, ya 18,000 hai kahin pe, 40,000 pe hai, to ye agar samajhte hain ki usme variation hai, apne principal ke sath milein,
और किसी सीनियर के साथ मिलें और आपस में मिलजुल के इसको मसले को हल करें, क्योंकि पूरे मुल्क में फीस जो पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस की हैं वेरिएबल हैं, कहीं पे 15,000 हैं, ये 18,000 कह रहे हैं, कोई 25 ले रहा है, 40-45 तक चल रही हैं, तो इसको लोकली मैनेज किया जाए तो बेहतर है। अच्छा, यहाँ कमेंट्स में एक क्वेश्चन है, तैयबा न्यास पूछ रही हैं, लेकिन मुझे इनका क्वेश्चन काफी एम्बिगुअस लग रहा है दीदी, कि स्टिल नॉट गिविंग अटेंशन टू द क्वेश्चंस आफ्टर पोस्टिंग 100 टाइम्स अबाउट बी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई क्लिनिकल स्किल्स विदाउट डूइंग हाउस जॉब, आई ऑलरेडी गॉट मोर देन 76% मार्क्स। बी कैटेगरी वाले नहीं, व्हाट क्वेश्चन एम्बिगुअस है मेरे ख्याल से अभी भी। व्हिच यूनिवर्सिटीज इज शी आस्किंग? ना, उन्होंने कोई बी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज की वो बात कर रही है। आई थिंक मेन कंसर्न इनका वो है कि जो बी कॉलेजेस वाले हैं उनको एनएलई स्टेप 2 के लिए क्लिनिकल एग्जाम की अंडर असेसमेंट की जाती है जी, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम वी आर नॉट अलाउड टू डू हाउस जॉब एंड वी गिवन प्रोविजनल लाइसेंस, सो एनएलई स्टेप 2 के लिए हम हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर स्टेप 2। देखिए, यू आर अ मेडिकल ग्रेजुएट and it is your responsibility and the responsibility of the college from where you graduated to ensure that you have the proper training to come and work as a safe doctor. So if you think without a house job you cannot clear your NLE 2 and your graduate training is not preparing you for an NLE, then you always have a pathway of completing your house job in the country or in the college where you from where you graduated. I hope that clarifies the question. Yes, Tayyaba, I think so. आपका नाम था सर, ने आपके क्वेश्चन को एड्रेस भी कर लिया एंड आई होप इट erases योर concerns रिलेटेड टू इट। इल्सा नदीम मेंशन कर रही है कि why have you blocked us? We have not blocked you. आपके कमेंट्स वगैरह सब नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक मैंडेटरी स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम आगे भी, हमारे पास पहले भी ये क्वेश्चन आए हैं, वो हम आगे भी लेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर साहिल मुनीर साहब ने किया हुआ है, आगे भी हम देखते हैं कि उन्होंने वो क्वेश्चन किया हुआ है। अच्छा, अली रहमान ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल प्राइवेट कॉलेजेस इन लाहौर आर टेकिंग डोनेशंस, दे आर नॉट गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, सो द राइट ऑफ सम स्टूडेंट इज विदड्रॉन, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस एक्ट ऑफ डोनेशन। जी, इस पे प्रेसिडेंट साहब ने भी पहले बात की, जिसे कंप्लेंट करें, हाँ, कि डोनेशंस जो है कि इस पे पहले भी सवाल हुआ, तो बेसिकली मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है कि कोई कॉलेज कोई इरेगुलरिटी जो है कंडक्ट कर रहा है या कोई गलत तरीके से जो पीएमसी के लॉ की वायोलेशन में कुछ कर रहा है, हमने किसी हद तक उनको एडमिशन्स वगैरह का या क्या उनको उनकी अपनी पॉलिसीज हैं जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस को, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई पीएमसी के लॉ की स्पेसिफिक वायोलेशन हो रही है तो वो स्पेसिफिक आप कंप्लेन दायर करें किसी भी कॉलेज के। हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि सब कॉलेजेस जो है कि मिसकंडक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, हाँ, तो अगर कोई स्पेसिफिक कॉलेज कर रहा है तो आप उस कॉलेज का नाम, उसके जो पर्टिकुलर किसी से अगर कोई मांगा गया है, कोई गलत चीज़ मांगी गई है, तो उसका एविडेंस आप हमें भेजें तो हम उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में डालेंगे और एज पर ला जो भी एक्शन होगा हम दोनों पार्टीज को सुन के एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। जी बेटा, इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि ये कुछ जो ब्रॉड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर एक्शन लेना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपने कहा कि वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस इन लाहौर आर टेकिंग डोनेशंस, नाउ दिस इज इन ऑर्डर फॉर अस टू एक्ट अपॉन इट द कंप्लेंट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि इतनी जिस तरह आपने ब्रॉड कंप्लेंट की है उसके मुताबिक तो फिर कोई वो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ किसके ऊपर क्या लेक्शन लिया जाए या किस तरह उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट इफ देर इज़ अ कंप्लेंट इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सम एविडेंस टू बैक इट। सबसे हम इम्पोर्टेंटली सर, थैंक यू, हम यही बात कर रहे होते हैं कि आप जो भी कंप्लेन अपनी कर रहे हैं फॉर पी एम सी टू टेक एनी एक्शन और एनी स्ट्रिक्ट एक्शन इफ नॉट लीगल, तो आप प्लीज़ विद एविडेंस विद
लीजिए, बिकॉज वर्बली हम किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी यूनिवर्सिटी को या किसी बॉडी को अप्रोच करते हैं तो वो भी हमसे आगे से यही सवाल करते हैं कि आपके पास कोई एविडेंस या कोई विजुअल वर्चुअल प्रूफ है या नहीं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वुड लाइक टू आस्क द पीएमसी टू कंसिडर ओनली एंट्री टेस्ट मार्क्स फॉर द एडमिशन ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज. अच्छा नहीं, सॉरी, एक क्वेश्चन पहले है. शोएब मजीद साहब ये पूछ रहे हैं, उनके दो क्वेश्चन हैं. A person with 50% marks in FSC studying in A-list medical college of China, is he eligible for NLE exam? And unka second part question ka, does FSC marks matter for NLE exam? Achha, isme dekhen, aapka NLE exam is for your full license. FSC ke marks jo aap keh rahe hain, those were for your admission. To NLE exam ke liye aapke paas aapki degree honi chahiye. फुल डिग्री मतलब आप अपना मेडिकल प्रोग्राम चाहे वो डेंटल है चाहे मेडिकल है आप वो कंप्लीट कर चुके हैं. हमारी रिक्वायरमेंट वो है, फर्दर वी हैव नो कंसर्न विद योर एफएससी एग्जाम, वो आपके एडमिशन के लिए था. देखें, आप दुनिया के किसी कोने में भी पढ़ रहे हो, मसलन आपने आप यूके में हैं और आपने वहां से कैम्ब्रिज किया है, या आप किसी दूसरे आईबी के स्कूल सिस्टम में हैं, या किसी और दुनिया के किसी सिस्टम में है जहाँ पे कि आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपने लिया है और उसके बाद वहाँ दाखला लिया है, तो वो वहाँ के कानून के मुताबिक लिया है. सो जब आप ग्रेजुएट करके आते हैं तो हम ये पाबंद नहीं कर सकते कि आप एफएससी के इतने मार्क्स की लिस्ट लगाएं. सो एफएससी के मार्क्स उस वक्त हम सवाल आपसे नहीं करते. हम आपसे पूछते हैं कि आप ग्रेजुएट डिग्री लेके आए हैं तो आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए अपीयर हो जाए. थैंक यू. अच्छा, मुबीन तारिक भी एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आई हैव मेड एन अकाउंट एंड प्रोफाइल टू अप्लाई फॉर एनएलई स्टेप वन मेडिकल, बट आई एंटर्ड इनकरेक्ट नेम. उन्होंने अपना नाम ही इनकरेक्ट डाल दिया. सो काइंडली टेल मी अबाउट हाउ टू करेक्ट एंड अपडेट माय प्रोफाइल अकाउंट. इस पे हमने टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट किया सब एप्लीकेंट से कि जब भी आप प्रोफाइल बना रहे हैं या कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो एक बार थॉरली अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री में जो सारी समरी एप्लीकेशन की उसको रीड करें, उसके बाद उसको आप सबमिट करें. लेकिन बहरहाल हमने अब आपको एक ऑप्शन आज इनेबल कर दिया आपकी प्रोफाइल्स के ऊपर, एनएलई मेडिकल और डेंटल दोनों पे अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन. आप उधर जाके अपना नेम, फादर नेम, सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वहां से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एप्लीकेंट्स की ऐसी इशूज़ आ रहे थे कि वो अपनी ईमेल गलत एंटर कर देते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर या नेम एंड फादर नेम सीएनआईसी, तो आप वो अपडेट कर सकते हैं. तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करें एक बार थॉरली उसकी समरी पढ़ लें, उसके बाद उसको सबमिट करें. बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप किसी भी फॉरेन वीजा के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं या किसी बाहर की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से आप 50 दफा अपना फॉर्म पढ़ते हैं. सो दिस फॉर्म इज इक्वली इम्पोर्टेंट. यस, हम हर दफा अकोमोडेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स को जितना हम कर सकते हैं, लेकिन हम हर दफा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने एंड से भी 1-3 टाइम्स एट लीस्ट अपना पूरा फॉर्म पढ़ लें, उसके बाद सबमिट करें. कोई जल्दी नहीं है फॉर्म सबमिट करने. अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आई वुड लाइक, कोई मनवर पूछ रहे हैं कि आई वुड लाइक, एम अनवर, आई वुड लाइक टू आस्क द पीएमसी टू कंसिडर ओनली एंट्री टेस्ट मार्क्स फॉर द एडमिशन ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज. It's well known that many boards and center provide all access to cheat and get marks in FSC. If the marks are considered for, it will be great deprivation for those who studied with great efforts throughout the days and nights and failed to get the merit due to comparatively less marks in the FSC exam. It is very clear that the test is to check either the student's abilities that are required for medical studies. So I don't think FSC marks matter. कानून कहता है कि 50% मार्क्स पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एमडी कैट की वेटेज होगी. उसके अलावा बाकी जो मार्क्स की जो बाकी वेटेजेस हैं उनकी चॉइस पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज के पास है कि वो किसको वेटेज देते हैं. सो ये फैसला करना कि तमाम सिर्फ एंट्री टेस्ट के मार्क्स को कंसीडर किया जाए, ये हमारा नहीं है, ये उन कॉलेज का है और उन उम्मीदवारों का है, वो करेंगे फैसला. जी, नेक्स्ट. थैंक यू सर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय ब्रदर क्वालिफाइड एनईबी एग्जाम फॉर ट्रांसफरिंग टू सेकंड ईयर, बट यू राइट इन हिज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट यू कैन ट्रांसफर टू फर्स्ट ईयर ओनली.
Sir, arrange these students on their respective academic year or otherwise adjust these students in public sector medical college on basis of your issue result on self-finance basis. इस पे हाँ पहला जो पॉइंट है तो आई वुड लाइक के एग्जामिनेशन वाले बताएं कि वो सेकंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर वो क्लेरिफाई करें, बाकी तो वही है सेम के एडजस्टमेंट होनी चाहिए जो कि इसका देखिए इस तरह है कि आपको जिस रिस्पेक्टेड सर ने क्लियर कर दिया है कि एनी भी जो है वो आपके लिए एक जिस क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने एनी भी एग्जाम दिया है, क्लियर कर लिया, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर आपको ट्रांसफर दिया गया है कि आप इस ईयर में माइग्रेट कर सकते हैं, पाकिस्तान में एडमिशन ले सकते हैं. तो फर्दर जो है ये चीज़ मल्टीपल टाइम क्लेरिफाई की जा चुकी है, इंडिविजुअली भी, ई कचहरी में पहले भी. और सर सेकंड जो ये सेल्फ फाइनेंस वाली और प्राइवेट कॉलेजेस की बात है, हाँ, उसको मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा. ये कह रहा है कि मेरे भाई ने सेकंड ईयर के लिए एग्जाम पास किया है लेकिन आप लोगों ने इसको एलिजिबिलिटी फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसको थोड़ा इसी तरह ही है वो इसको थोड़ा थर्ड फोर्थ ये यही चीज है जो वो बाकी देखें. पीएमसी डज नॉट गारंटी, पीएमसी जिस तरह मिस्टर प्रेसिडेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि जो भी बच्चा एनईबी पास करेगा वो खुद रब्ता करेगा, इसमें सूबाई हुकूमतों की अपनी पॉलिसीज होती है, प्राइवेट कॉलेजेस की अपनी पॉलिसी होती है. दिस ये एक हम अपॉर्चुनिटी दिए कि जहाँ जहाँ पे वैकेंट सीट हो जहाँ चाहे तो उधर ये बच्चे जो जितने हो सकते हैं, हमारी तो ख्वाहिश होगी कि सब हो सके, लेकिन डेफिनेटली जो हमारी जो नेशनल कैपेसिटी है उससे बढ़ के भी हम उनको एडजस्ट नहीं कर सकते. तो जहाँ जहाँ पे वैकेंट सीट्स हैं एप्लीकेंट खुद रब्ता करें, उसके पेरेंट्स रब्ता करें, उन कॉलेजेस के साथ रब्ता करें, और अगर वैकेंट स्लॉट है तो एडमिशन लेके पढ़े, या फिर अगले साल का इंतजार करें, फिर अगले साल एग्जाम दे, फिर अगर उस ईयर में अगर सीट स्लॉट खाली हो तो उसमें आ जाए. अच्छा, इसमें एक पॉइंट सर और ऐड करना है कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हमेशा मेरिट बेस पर होते हैं, कि अगर आपका क्वालिफाइंग मेरिट किसी उस कॉलेज के मेरिट के ऊपर मैच करता है तो यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन द रेलेवेंट कॉलेज. डेफिनेटली हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर अगर देखें कोई सीट पब्लिक में भी खाली जा रही है, अगर कोई एडजस्ट हो सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं है. दे कैन अप्रोच एंड डेफिनेटली फिर वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज होंगे पब्लिक सेक्टर की उसको फुलफिल करके दे दें. एक क्वेश्चन कमेंट्स में हमारे पास इससे रिलेटेड आया है व्हिच आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अरीबा शेख ये कह रही कि इफ अ पर्सन डजंट हैव टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान डू दे हैव टू गिव एनएलई आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पाकिस्तान. वो प्रैक्टिस नहीं करना, नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर आपको क्यों चाहिए लाइसेंस? ये तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है एक्चुअली. बिल्कुल. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही तिमरगढ़ मेडिकल कॉलेज है जिसको सर पहले भी मैं इसको थोड़ा सा फर्दर जी बताएं सवाल थोड़ा. अच्छा सर, एक क्वेश्चन पहले है सैयद जवाद हसन पूछ रहे हैं और यहाँ से हमने कॉमेंट में भी एक क्वेश्चन यही उठाया था कि व्हाई देयर आर मैंडेटरी स्टेशंस एंड अटेम्प्ट लिमिट्स इन एग्जिट एग्जाम NLE 2 when none of international licensing exams have mandatory stations. Please finish at least one of them. देखिए हर नेशन की एक अपनी जो है अपना एक क्राइटेरिया होता है एग्जाम सेट करने का. हमने USMLE या किसी और जगह के एग्जाम्स को देख के अपना क्राइटेरिया सेट नहीं किया. पाकिस्तान का एक अपना क्राइटेरिया है. दूसरी बात, हर एग्जाम का क्राइटेरिया जो है वो एग्जाम के बाद चीजें रिव्यू होती हैं, कॉन्टिन्यूसली रिव्यू होती रहती हैं. ठीक है, इनिशियली पीएमसी का ये क्राइटेरिया कि 3 मैंडेटरी स्टेशन है जिनको आपको लाजमी पास करना है. कौन से हैं वो सारी डिटेल्स वेबसाइट पर मौजूद हैं. इनिशियली हम इसको इसी तरह कंटिन्यू करेंगे फॉर ऑनवर्ड एग्जाम रिव्यूज के बाद, मल्टीपल एग्जाम्स के बाद हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हो, लेकिन करेंटली ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है कि आपके मैंडेटरी स्टेशन खत्म कर दिए जाएंगे. रिसेंट एग्जाम्स में हमने स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को बताया है इसके बारे में, एग्जाम से पहले डिस्क्रिप्शन दी है कम्प्लीट कि These are the 3 mandatory stations. You have to pass them. तो अब ऐसा नहीं है कि students के knowledge में नहीं है या उनको पता नहीं है. All you have to do is कि try कि आप उनको pass करें. अब और वो ऐसी चीजें हैं जो कि एक medical graduate को लाजमी आनी चाहिए एक license full license exam लेने के लिए, कि उनके उसमें skills जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो उसको pass कर सकें. तो I guess message has been conveyed sir. आपको जस्ट इनको share करना चाहिए. नहीं बस यही के ये पॉलिसी के तौर पे डिसीजन हुआ था एकेडमिक बोर्ड की रिकमेंडेशन में, और ये कंटिन्यू जैसे कहा गया कि एक प्रोसेस है, इसको रिव्यू पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के नतीजे में देखा जाएगा कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वो हमें कितना इस चीज़ को एसर्टन करने में हेल्प कर रहा है कि एक सेफ डॉक्टर है.
उसके बाद रिव्यू किया जाएगा, बट एट दिस मोमेंट क्योंकि ये कानून वो रेगुलेशंस के अंदर मौजूद है और बोर्ड की रिकमेंडेशन है, इसलिए हम इस तरह उसको ख़त्म नहीं कर सकते। थैंक यू सर। अच्छा वही जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमजा अली ने भी किया है कि तेरुगढ़ मेडिकल कॉलेज इज पीएमसी गोइंग टू अप्रूव द कॉलेज, फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है जब टाइम आएगा तो देखें। जी हाँ, कॉलेज के अप्रूवल का एक प्रोसेस होता है, कॉलेज जो भी कॉलेज बना रहा होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रही है या जो भी बना रहा होता है, जब वो कॉलेज बन जाता है तो वो कहते हैं कि अब हम इंस्पेक्शन के लिए तैयार हैं, उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है और अगर वो मेयार पर पूरा उतरता हो तो उसको उसी वक्त फिर रेकग्नाइज कर लिया जाता है। सो हम आपको ये यकीन काइंड ऑफ रीअश्योर करते हैं, एज सून एज दे से दैट द कॉलेज इज रेडी फॉर इंस्पेक्शन वी विल इंशाल्लाह नॉट वेस्ट एनी टाइम, वी विल नॉट होल्ड ऑन टू इट, वील hold the inspections and if it reaches that standard inshallah it will be recognized. Inka second question ka part hai increasing 10% medical seats in KPK. Once again seats ki enhancement bhi ka bhi ek procedure hai, aur wo seats ki enhancement ka procedure kya hai ki colleges apni facilities ko upgrade karte and then they apply for enhancement of seats और उसके बाद हम इंस्पेक्शन करके उनकी एनहेंसमेंट करते हैं। लास्ट ईयर वाज दैट वन एक्सेप्शन विद इन विच टू इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम फाटा बलोचिस्तान, द सीट्स वर एनहांस्ड एंड आल्सो देन दे वर इट वाज सजेस्टेड दैट ऑल फ्यूचर एनहेंसमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शंस। सो एट दैट इफ ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस वी फाइंड आउट identify that this college is has got the capacity to teach more students and the college wants to, then inshallah we'll be not hesitate in giving them that additional seats. Sana, subject to inspections hai jis tarah sir ne farmaya, humne KPE ke liye last 1 year mein 360 seats taake jis tarah phata wagera ke bachon ke jo issues wagera aa rahe the taake जो है कि सब हो सकते हैं, दिस इज ऑल प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन इज मिस्टर प्रेसिडेंट क्लियर। थैंक यू सर। अच्छा स्कॉलरशिप्स का इनका थर्ड पार्ट है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लिस्ट एज सून एज पॉसिबल अनाउंस हो जाएंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं लाला खान जो है वो कह रहे हैं कि एज यू से दैट एफएमजीज आर नॉट अलाउड टू टेक, अगेन उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो यूज किया इंटर्नशिप इन पाकिस्तान, प्लीज एज यू नो द सिचुएशन एंड प्लीज डू सम पॉजिटिव स्टेप्स फॉर दिस इशू। It's unfortunate that this, because of this COVID, the situation has arisen. But I hope you will understand that the number of training slots in Pakistan is limited, and we cannot just allow more students to come and train against seats, against those limited slots, because they've always been already being used for training purposes in the colleges where they are. And second, the important thing is that you are studying in a university which is responsible for assessing you and responsible for certifying that you have been fully trained. That responsibility cannot be delegated to anyone working within Pakistan. So I'm afraid this is your graduate program has to be completed in the country where you started your graduation. Thank you. अहमद सलीम जो है वो अपकमिंग एमडी कैट के स्केड्यूल के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशंस कब तक हो जाएंगी और एक्सपेक्टेड किस मंथ में कंडक्ट होगा एमडी कैट। वेल एक्सपेक्टेड मंथ प्रोबब्ली द सेम टाइमलाइंस दैट वी हैड लास्ट ईयर, बट प्लीज गिव अस अ फ्यू अ लिटिल मोर टाइम एंड दे विल अनाउंस ऑल एवरीथिंग इंक्लूडिंग द स्केड्यूल्स एंड द सिलेबस। बताया क्योंकि अभी अप्रूवल तो हो गया था तो वो अपलोड हो चुका है, सो इन्फॉर्मेशन इज ऑन द वेबसाइट, प्लीज वेबसाइट पे चेक कर। आई बिलीव एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने इस पूरे साल का प्रपोज्ड एक स्केड्यूल तीनों का पूरे साल 2022 का स्केड्यूल वेबसाइट पर मौजूद है, उसको आप रिव्यू कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस दौरान कौन सा एग्जाम हो रहा है। थैंक यू सो मच।
अच्छा, मेरा मकसूद जो है उनकी एक बड़ी डिफरेंट सी क्वेरी आई है। वो ये पूछ रही है कि हाउस ऑफिसर का कोई वर्क क्राइटेरिया डिफाइंड है, क्योंकि वो ये कह रही है कि हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो बहुत एरोगेंट होते हैं और उनको जो काम मिलता है वो हाउस ऑफिसर के सर पे डाल देते हैं। जी जी बेटा, पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, डॉक्टरी कोई अफसरी नहीं है। एज डॉक्टर्स वी आर एक्चुअली ट्रेनिंग आर सेल्स टू सर्व द पीपल, सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट अ डॉक्टर नीड्स टू डू टू सर्व द पेशेंट्स, उसमें कोई हद तक नहीं वो कोई ज्यादा। हाउएवर मैं एग्री करता हूँ कि हाउस जॉब की जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो डिफाइंड होनी चाहिए, कि हाउस जॉब के एंड पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी आनी चाहिए, किन किन चीज़ों में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। बट अगर उससे मुराद आपकी ये है कि आप कहें कि जी मुझे सिर्फ बता दिया जाए मैंने कौन कौन सा काम करना है, तो एज अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर हु इज वर्क ऑल इज लाइफ इन मेडिसिन, आई कैन टेल यू दैट पेशेंट केयर से मुतालिक हाउस जॉब के दौरान और आज तक मुझे कोई भी करना पड़े तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी, और हम तमाम डॉक्टर्स को, पर्टिकुलरली हाउस ऑफिसर्स को, इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि मैं पेशेंट की खातिर मुझे कोई भी काम करना पड़े और दैट इंक्लूड्स हाउस कीपिंग, तो मेरे लिए ना सिर्फ ऑनर होगा बल्कि मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। हमने वैसे हाउस जॉब की कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क जो है कि डेवलप कर लिया एकेडमिक बोर्ड ने, और उसको MBBS के करिकुलम के साथ कुछ दिनों में हम उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे वो हैं। ये हम बता वो ये क्लियरली डिफाइन करेगा कि आपको कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज अचीव होनी अचीव होनी चाहिए। चाहिए। बट जहाँ तक ये बात जो मुझे इस सवाल से नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारा काम डिफाइन बर्डन करें, योर जॉब इज टू बिकम अ टीम मेंबर दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द केयर ऑफ द पेशेंट, द कॉम्पिटेंसीज हैव टू डू विद लर्निंग, सो दैट लर्निंग हैज टू बी सिस्टमैटिकली डन एंड सिस्टमैटिकली कैरीड आउट। हाउ एवर वी आर ऑल पार्ट ऑफ पेशेंट्स केयर नेटवर्क एंड वी शुड बी गिविंग आर बेस्ट टू द पेशेंट्स। अच्छा, बीच में कमेंट्स में ना काफी सारे लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक ही चीज, वो मेजरली ये आ रही है कि इस दफा का एग्रीगेट फॉर्मूला बता दिया जाए किस तरीके से, क्योंकि 2021 का भी 2 साल के लिए वैलिड है जो कि स्कोर है MDCAT का, उसका एग्रीगेट फॉर्मूला पूछ रहे हैं बार बार कमेंट्स में। और एक चीज पूछ रहे हैं कि अभी भी क्या मार्क्स 65% हो गए, यहाँ तक कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बढ़ा दें 70% पे ले आई जाए। थिंक एकेडमिक बोर्ड हमें पहले रेकमेंडेशन ये जो चीजें हैं ये सारी क्लैरिफाई जैसे ही हमें रेकमेंडेशंस मिलेगी, काउंसिल अप्रूव करेगी, आपके सामने आ जाएंगी। वन वे और अनदर आप सबको रियलाइज होना चाहिए कि MDCAT इज अ हाईली कम्पेटिटिव एग्जाम एंड सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। सिलेबस क्लियरली डिफाइन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो जैसे जैसे जो चीज़ें हैं वो सारी क्लैरिफाई करके आपको बता दी जाएंगी। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिबा इफ्तिखारी पूछ रही है, यू क्लियरली स्टेटेड इन योर इंस्ट्रक्शंस टू डिडक्ट ग्रेस मार्क्स एंड नॉट टू कैलकुलेट इट इन मेरिट कैलकुलेशन। अगेन बात वही आ रही है एडमिशन प्रोसेस में रिलेटेड टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसमें जो भी प्रोसेस वो एक अलग से बना रहे हैं फॉर्मुलेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये बात इफ्तिखार क्वेश्चन कर रहे जो हैं। सारे सारे क्वेश्चन जो इस रेलेवेंस से हैं इसके बारे में मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि हमने बड़ा क्लियरली अपनी पॉलिसी जो है और अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हम एक से ज़्यादा फोरम्स पे दे चुके हैं कि जो एडमिशन्स रेगुलेशन जो बनाई गई हैं तमाम तमाम कॉलेजेस इंक्लूडिंग प्रोविंस और प्रोविंसेस और तमाम प्राइवेट कॉलेजेस या जो भी हैं वो उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर तमाम एडमिशन्स करने के पाबंद हैं, वो कानून है। और उस सिलसिले में हम जो भी इकदाम ज़रूरी है वो कर रहे हैं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कानून की पाबंदी हो। somebody who is being affected by this process, अगर आप इससे आप अफेक्ट हो रहे हैं और आपके साथ समझते हैं कि आपके पास साथ ज्यादती हो रही है, तो आपके पास ये चॉइस है कि आप अपने जो रेलिवेंट जो वहाँ पे प्रोविंशियल जो कोर्ट्स हैं उनमें जाके आप अपनी ग्रीवियंस को लिए, क्योंकि ये कानून है और वो कानून बहुत वाजे है, सो उसकी पाबंदी सबके ऊपर लाजम।
थैंक यू सर. आगे के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे सिमिलर पे थे. आई बिलीव सर ने काफी हद तक इस क्वेश्चन को ऑन रिपीट आंसर भी कर दिया है. एक क्वेश्चन जो है वो एनी बी के एग्जाम स्केड्यूल से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि कब एनी बी की डेट्स होंगी. मौजूद है लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू साल में एक दफा दो दफा प्लान है. 1 to 5 June एनी बी मेडिकल एंड डेंटल पार्ट 1 और अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर 1 month उसका स्टेप 2 होगा एंड 1 December एनी बी स्टेप 1 और उसके 1 month बाद ही उसका एनी बी 2 होगा और दिस एग्जाम विल बी बोथ मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट. वो स्केड्यूल अगेन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है. आप नीचे जाके पब्लिक अनाउंसमेंट्स में चेक कर सकते हैं. अगर वहां से मूव आउट हो गई हो तो आप सी मोर करके भी देख सकते हैं क्योंकि सिंस हमारी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स ऑन एंड ऑफ आ रही होती हैं. तो अगर आपने कोई पास्ट की अनाउंसमेंट्स भी देखनी है तो आप पब्लिक अनाउंसमेंट्स में जाके सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी. अच्छा सर, आई बिलीव नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए क्योंकि अगेन वही वाले क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं रिगार्डिंग एडमिशन्स इन सिंध. वो हम काफी दफा ऑन रिपीट हम बता चुके हैं. अच्छा मोहम्मद सलीम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन एफएमजीज अप्लाई फॉर एनएलई स्टेप 1 व्हाइल डूइंग हाउस जॉब इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन. यस, अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं और हाउस जॉब वहां कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यू कैन कम एंड अप्लाई एंड अपीयर फॉर योर एनएलई पार्ट. यू कैन टेक योर एनएलई पार्ट स्टेप 1. डिग्री रिक्वायरमेंट है एक्चुअली. ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट आपकी डिग्री है, आपके पास डिग्री मौजूद है, आप अप्लाई कर सकते हैं एनएलई के लिए. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन परवेज मजीब ये कर रहे हैं कि आई हैव लॉन्च्ड अ प्रोफेशनल कंप्लेन अगेंस्ट द इररेगुलरिटीज इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सिंस 1 month. I got no reply. Should I go to court of law or wait for the PMC to reply? अब ये डिपेंड करता है कि इन्होंने कहाँ कंप्लेन की हुई है. परवेज मजीब साहब, हमने फी कंप्लेन से रिलेटेड तो एक फी कंप्लेन एट pmc.gov.bk स्पेसिफिक किया था. उस पर भी अब प्रॉब्लम मैं स्टेट यहाँ पे करना चाहती हूँ इस फोरम पे. हमने एक स्पेसिफिकली ईमेल एड्रेस बनाया फी कंप्लेन एट pmc.gov.bk जिसमें जिनको फी रेगुलरिटी आ रही थी इनिशियली तो हमने वो बनाई थी कि जिनको क्वार्टरली 6 month और एनुअल फी के इश्यूज हो वो इस ईमेल को यूज करें. अनफॉर्चुनेटली वो ईमेल अब्यूज होना शुरू हो जाता है. वहां पर हर किस्म की कंप्लेन्स आनी शुरू हो जाती हैं और डेली बेसिस पे अगर आपको 400 से 500 कंप्लेन्स आ रही हो तो जो एक्चुअल कंप्लेन होती है वो चली जाती है और उस ईमेल का और उस पूरे प्रोसेस का मकसद खत्म हो जाता है. सो हमारी रिक्वेस्ट भी यही होती है कि अगर हम एक फोरम पर एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस बताते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर तरह की कंप्लेन उस पर करना शुरू करते हैं. हमने एक हेल्पलाइन भी पूरी बनाई हुई है हमारी पीएमसी के ऊपर. 24/7 हेल्पलाइन का नंबर भी दस्तयाब है. उस हेल्पलाइन पे भी अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी जो आपकी कंसर्न्स हैं वो रैपिडली एड्रेस हो जाती है. और अगर कोई ऐसी कंप्लेन है जो कि एड्रेस नहीं हो पा रही होती तो वो रीडायरेक्ट कर देते हैं ऑफिसर्स की तरफ. दूसरा से ना देखे ना, इधर भी जिस तरह सर ने पहले फरमाया स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि इन्होंने एक प्रोफेशनल कंप्लेन की है तमाम कॉलेजेस में. exactly. प्राइवेट कॉलेजेस में ठीक है. हमें तो देखें, हम एक्शन तभी उठा सकते हैं जब हमारे पास कोई एविडेंस हो, कोई स्पेसिफिक डेटा हो, कोई ईमेल करें दूसरी पार्टी को. बहरहाल इनकी परवेज मुजीब साहब की आप जाके चेक कर लीजिएगा. अगर कोई कंप्लेंट आपके रिकॉर्ड पे है तो इनको राबता करके इनको एटलीस्ट बता दी फीडबैक मिल जानी चाहिए. नोटेड सर. ठीक है, ये प्लीज देख लीजिएगा. श्योर परवेज मुजीब साहब, हम लोग ईमेल चेक करेंगे एंड विल मेक श्योर टू गेट अ रिस्पांस. अच्छा हमजा रोफ साहब ये कह रहे हैं कि आई वांट टू नो अबाउट द ट्रांसफर पॉलिसी फॉर दो स्टूडेंट्स हु स्टडीड एमबीबीएस फॉर 2 to 4 years इन चाइना बट टू ट्रांसफर टू एमडी इन एक्स रशियन स्टेट्स. व्हाट डज एपीएमसी थिंक अबाउट द ट्रांसफर फॉर एमबीबीएस इन चाइना टू एमडी इन एक्स रशियन स्टेट्स? इज इट एक्सेप्टेबल टू पीएमसी? वी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन वन ओवरसीज इंस्टीट्यूशन टू द अदर ओवरसीज इंस्टीट्यूशन. वंस अगेन यू आर ट्रांसफरिंग. That's the Pakistan Medical Commission does not control those kind of transfers. It is the responsibility of the institution that is accepting you to make sure that you have completed all the coursework by the end of the your graduate program. So we will be looking at your transcript or your graduate degree. If it is coming from a recognized accredited university, then of course you will be allowed to come and sit in your MLE. Thank you, sir. यहाँ पर जो next complaint सिमरा सुहेल कर रही है और already हमारे पास again house officers की काफी complaints आई हुई है. उन्होंने college का नाम भी specify किया हुआ है और हम उनसे भी यही कहेंगे
आप अगर 25,000 ड्रॉ कर रहे हैं और आपका जो हमारी रेगुलेशंस हैं रिलेटेड स्टाइपेंड, आप प्लीज सैलरी स्लिप के साथ आप अपनी कंप्लेन कीजिए info.education@pmc.gov.pk अगेन, सब्जेक्ट में प्लीज मेंशन कर दीजिए कि आप जो पे है स्टाइपेंड है उससे रिलेटेड एक ईमेल या कंप्लेन कर रहे हैं, सो दैट वो उस कैटेगरी में एड्रेस हो जाए। वैसे सर थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं, इस इशू को हमने डाओ कॉलेज के साथ टेकअप किया है, आई होप कि कोई रिप्लाई आ जाएगा और बाय द वे इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर राना जियाउल्ला, वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एनएलई का जो प्रॉपर पैटर्न अनाउंस हुआ था वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर एग्जाम में पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, जो 70% क्लिनिकल एंड 30% बेसिक साइंसेज से होना था बट अकॉर्डिंग टू हिम इस तरह का पैटर्न आया नहीं था। अच्छा डॉक्टर राना, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एग्जामिनेशन डिवीजन, आई कैन अश्योर यू कि आपको जो पैटर्न बताया गया है उसमें इवन सिर्फ 70% क्लिनिकल ईच सब्जेक्ट के आगे उसकी वेटेज लिखी हुई है and there is not even a single MCQ जो कि उसकी weightage के हिसाब से नहीं था। I was the one who was involved in exam process and I can assure कि आपकी ये जो आपने ये बात highlight की है ये correct नहीं है। आपको अगर कोई आपको recall है तो आप बेशक आप किताबों को उठा के दोबारा देखें, सवाल जो थे वो तमाम के तमाम आपके syllabus में मौजूद थे और according to the curriculum हमारा paper arranged था December में and that's why we got a very good pass percentage as well. अच्छा सुहेल मलिक क्वेश्चन कर रहे हैं, हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी चाइना, इज देयर एनी वे दैट फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स कैन डू अ मेडिकल प्रोबेशन एंड लेटर ऑन इंटर्नशिप इन पाकिस्तान? तो सर ने क्लेरिफाई कर दिया कि दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये उसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का और उसी मुल्क का है जहाँ पे ये बेसिकली पढ़ रहे हैं, हमारे पास आएंगे ये एनएलई पास करेंगे, प्रोवाइडेड कैटेगरी ए वाले कॉलेज अगर नहीं है तो ठीक है एनएलई के स्टेप्स पास करेंगे, फिर हम इनको प्रोविजनल लाइसेंस देंगे और ये हाउस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। थैंक यू। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन मोहम्मद नबील है, वो एनएबी के क्राइटेरिया के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि 2, 3 and 4 फाइनल ईयर्स एज मेनी स्टूडेंट्स गिव एनएबी एंड स्टेटस वाज पास्ड बट पीएमसी से देम टू सिट इन फर्स्ट ईयर इंस्टेड ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू सिट इन थर्ड और फोर्थ ईयर। If marks are low than 70%, then please give details of the marks of each subject. Basically, when NAB ke criteria and jo final hua tha usse related. Ye bada well discussed academic board aur council ne ek structure and format bana ke humne webs approve kiya hai, jisko humne website pe rakh diya hai aur uske jitne bhi sawalat wagera hain. Isme clearly, Nabeel sahab, main thodi si guzarish karunga ke jo bhi complaints hon, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एज मैनी स्टूडेंट्स गेव दिस एंड स्टेटेड व्हाट पीएमसी से देम टू सिट इन फर्स्ट ईयर इंस्टेड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई स्पेसिफिकली टेल अस विच स्टूडेंट्स हैड पास्ड द सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एग्जाम एंड देन received that message from PMC saying that you are eligible for first year. So if you please give us that specific information, then we can look into it. And believe us, अगर कोई हम feel करेंगे कि हमारी तरफ से कोई error या ऐसी चीज हुई है, तो हम उसको rectify करेंगे. So, but the point is that in order for us to look into a complaint, the complaint has to be specific. अब इस किस्म की वेक कंप्लेंट के ऊपर हमारे लिए स्पेसिफिक आंसर ढूंढना मुश्किल होता है, सो काइंडली ईमेल टू अस, यू कैन ईमेल टू एग्जामिनेशन एंड आस्क देम अबाउट दैट स्पेसिफिक केस इन विच व्हाट यू आर सजेस्टिंग हैपेंड, सो वील देन गो थ्रू दैट केस एंड इफ नीडेड डू व्हाट नीड्स टू बी डन। अच्छा यहाँ पर फवाद खान का एक क्वेश्चन है, एफएमजी को मसला आ रहा है हाउस जॉब में, पीएमसी कब हॉस्पिटल की डेटा अपलोड करेगा जिसमें ये वाजे हो कि हॉस्पिटल्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है पर हाउस जॉब्स? जी ये जो हॉस्पिटल हाउस जॉब के लिए हॉस्पिटल्स हैं, अब इसका इंस्पेक्शन का प्रोसेस इंशाल्लाह एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड फाइनलाइज होते ही शुरू हो जाएगा और वो कर लिया जाएगा, जिसके बाद हम क्लियरली बता सकेंगे कि कितने हॉस्पिटल ने अप्लाई किया और उनके पास कितनी सीट्स हैं। So, but as I have already pointed out on more than one occasions that Pakistan or our hospitals have a capacity to produce, to offer so many house jobs, that number is limited.
ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर के मुल्कों में एक लिमिट होती है उनकी, और उसमें इसीलिए लोग अपने प्रोग्राम्स को सारी दुनिया टाइटली कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि वो तीनों चीज़ों को देख रहे होते हैं, आपकी कैपेसिटी टू ट्रेन पीपल एंड योर रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रेन पीपल इन द सोसाइटी। सो अगर आप करके आ जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जी अब मुझे हाउस जॉब दो, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी एक लिमिट है, देयर इज अ नंबर there is a limit to the number of house job slots that we have. The priority would be the graduates of those institutions who have graduated from those places. Uske ilawa hum district level pe kuch hospitals jinme hum jinko recognize karenge, but you all need to understand ke jisko humne recognize karna hai us hospital mein capacity bhi honi chahiye proper training dene ki। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम नंबर ऑफ हाउस जॉब स्लॉट बता देंगे और फिर उसके बाद आप उसके मुताबिक आप देख लीजिए। अच्छा, हिना खान के क्वेश्चन है रिलेटेड कि एमडी कैट ऑनलाइन होंगे या फिजिकल। ये हमने पहले भी बताया था कि पीएमसी एक्ट में मेंशन्ड है, हमारे रेगुलेशंस में रेगुलेशंस में मेंशन है, हमारे तमाम जो स्टेप वन के एमडी कैट एनएलई वन एंड एनईबी वन दे विल बी ऑनलाइन। स्टेप टू जो है वो करंटली हम फिजिकल ले रहे हैं, फिजिकल ही क्योंकि वो क्लिनिकल स्किल्स हैं, तो ऑनलाइन हो नहीं सकता। थोड़ा इसको थोड़ी क्लेरिफाई एक और चीज कर दूं, ऑनलाइन से मुराद है ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ये पेपर बेस्ड नहीं है। सो ये थोड़ा फर्क देख लें, ऑनलाइन से मुराद बाज़कात लोग लेते हैं कि मैं घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे दूंगा, ये फिजिकली आपको सेंटर में आके एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम उस सेंस में नहीं है, और वो जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन हो, जैसे कि पिछले एमडी कैट में हो रहा था कि आपका डेटा आपके वहाँ लोकल सर्वर में फीड हो रहा है, आपके टैबलेट में फीड हो रहा है। इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इट्स अ स्क्रीन बेस्ड एग्जाम एंड नॉट अ पेपर बेस्ड एग्जाम। एम उमर खान साहब, स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस नहीं है बिल्कुल। हमने शुरू में ये बात की थी जब हमने कचहरी शुरू की थी, आप पहले जाके स्ट्रीम करके पहले चले जाएं, वहीं से हमने सबसे पहले इस दफा कमेंट से ही क्वेश्चंस लेने शुरू किए। और अगर मैं आपका कमेंट पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस नहीं है, हम क्वेश्चंस जो है हम कमेंट से भी गो थ्रू कर रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इस वक्त कंडक्टिंग बॉडी कौन होगी एमडी कैट की, आई थिंक सो किसी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका कंसर्न सिर्फ ये होना चाहिए कि एमडी कैट आपने प्रिपेयर करना है, सिलेबस जो है वो अनाउंस हो जाएगा और आपने पेपर में अच्छे तरीके से बैठ के उसको पास करना है। एमडी कैट कौन ले रहा है, किस तरह ले रहा है, अश्योर यू पीएमसी ही ले रहा है और पीएमसी ही लेता रहा है। तो ये मेन क्वेश्चन है। वन कंक्लूडिंग क्वेश्चन सर आपकी तरफ ये है कि अगर आप एक थोड़ा सा बता दें कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अभी जितने भी किर्गिस चाइना के बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, बी लिस्ट यूनिवर्सिटी कब आएगी, एम एस सी क्या होगी, तो ये प्रोसेस अभी किस तरह से चल रहा है, क्या अपडेट है उससे रिलेटेड? जी, इसके ऊपर अपडेट है कि जो और एग्जिस्टिंग लिस्ट थी वो खड़ी, वो वहाँ पे जहाँ पे है वो क्राइटेरियाज उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज आपके वेबसाइट पे हैं अकॉर्डिंगली वही ट्रीट की जा रही हैं। अब आगे के क्या यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब चेंज होगा या क्या, उसके ऊपर हम कुछ इंफॉर्मेशन मजीद गैदर कर रहे हैं, जो कि जैसे जैसे हमें मिलती जाएगी उसके मुताबिक हम अगर को पॉलिसी में कुछ चेंज होगी तो हम करेंगे। ये क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का प्राइमरी मोटिव ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री लेके यहाँ लाइसेंस के लिए आए उसको एडिक्वेट ट्रेनिंग मिली हो। ये जो हमने लिस्ट या थोड़ी बहुत बनाई गई थी किसी क्राइटीरिया के तहत, ये आप लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जितनी आ रही है या जितने प्रोसेसेस हैं हमने देखे हैं उनके मुताबिक ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से कि आपका आपको एक रीजनेबल डिग्री मिलने की तवक्को है, जिसको कि यहाँ पे आप वापसी पे आके आप नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए इस्तेमाल कर लें। अब ये कोई एक यूनिवर्सिटी का आज एक कैटेगरी में होना कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि कल भी वहीं होगी। कई यूनिवर्सिटीज़ बंद भी हो जाती हैं, उन मुल्कों के अपने रेगुलेटर्स उनको बंद कर देते हैं। सो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। सो आप अपना जो भी डिसीजन करते हैं वो सोच समझ के कीजिए, अच्छी तरह से तहकीक करके कहीं जहाँ पर भी जाना है आप दाखिले के लिए जाइए, क्योंकि ये
आपके कैरियर का सवाल है, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो हमने तो आपको एक फिल्टर और आपको निखार के देखना है कि आप लाइसेंस आपको दिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि उससे आपकी सोसाइटी की सेफ्टी का तकाजा आएगी। सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर। आई विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक ईच वन ऑफ माय एस्टीम्ड कॉलीग्स, डॉक्टर इमदाद मुहीस, डॉक्टर अहमद उस्मान, डॉक्टर दावा। थैंक यू सो मच, आप लोग इस कचहरी का पार्ट थे। सर प्लीज द कंक्लूडिंग नोट। जी बहुत शुक्रिया जी, अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। आई होप कि हमने मिसकंसेप्शंस को, कंफ्यूजन्स या जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब आपकी तसल्ली के मुताबिक दे दिए हैं। हम बहरहाल मौजूद हैं, आप ऑलरेडी कोई भी क्वेरी हो वो दे सकते हैं। ये खुली कचहरी एक रास्ता है, उसके अलावा भी आप हमसे रابطہ कर सकते हैं और हम हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार होंगे। तो बस बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर। लाइव सेशन इज नाउ कंक्लूडेड। सर 22,700 कमेंट्स।